हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पॉटिफाई अमृत। अब कल जो मैच हुआ है चेल्सी और शेफील्ड यूनाइटेड के बीच में, उस बारे में अपना खुद का रिव्यू करना चाहता हूँ। बेसिकली जो मैच हुआ वो चेल्सी ने, आप सबने देखा ही होगा कि बहुत ही इजीली, स्कोर बोर्ड अगर देखा जाए तो बहुत इजीली लगता है कि चेल्सी ने डोमिनेट किया और 2-0 से गेम जीत लिया। लेकिन मेरे ख्याल से वो ऐसा नहीं था। टीम मेरे ख्याल से बहुत ही अंडर परफॉर्म किया। बस कुछ दो तीन ऐसे प्लेयर थे जो मुझे लगा कि काफ़ी ठीक थे। एक तो मुड्रिक फर्स्ट हाफ में अच्छा खेला लेकिन सेकंड हाफ में नज़र ही नहीं आए, और पाल्मर का हम बोल सकते हैं कि पाल्मर ने बहुत ही अच्छा गेम खेला, एक असिस्ट और एक गोल भी स्कोर किया। और जैक्सन पूरे गेम में नज़र नहीं आए जब अटैक में थे, और फिर गोल हुआ उसके बाद उनको विंग पे खिलाया गया। विंग पे मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अटैकिंग और ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आए बजाय कि जब वो अटैक में नंबर 9 पे खेल रहे थे। तो काफ़ी कुछ प्लेयर्स मतलब ऐसे थे जो गेम में नज़र ही नहीं आ रहे थे, और ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेटिंग था वो था बैक पास। मतलब बैक पास क्यों भाई, जब अटैक जब सीधा चल रहा है तो आप एक तो आप बिल्कुल जो स्ट्रेट पास है उसको आप थोड़ा स्क्वायर पास कर देते हैं, उसकी वजह से अटैक किल हो जाता है। ऊपर से अटैकर अगर जाते हैं तो वहाँ पर मैंने एक चांस देखा जहाँ पर 2 अगेंस्ट 3 थे चेल्सी के प्लेयर्स, एंड वहाँ पर हमने क्या किया, हमने वहाँ पर अटैक खुद का किल कर दिया। हमने थोड़ा टाइम लिया, उनकी पूरी के पूरे 7 प्लेयर उनके पहुँच गए इतनी देर में, 2 वर्सेस 3 पर भी आप काउंटर नहीं कर पा रहे। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था मुझे तो। मतलब ठीक है टीम जीत गई, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल मतलब वो था कि हमारी टीम अगर अंडर कॉन्फिडेंट है तो उनकी बिल्कुल ही, उनकी कॉन्फिडेंस से भी बिल्कुल नेगेटिव में चल रही है, तब जाकर हमें एक विक्ट्री मिली है। अदरवाइज कुछ ज़्यादा खास नहीं था। लेकिन एक प्लेयर ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया, वो थे मोजेस। और उन्होंने कैसेडो ने मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस थी, जो एंगोलो कांटे की हम हर वीक हम उनकी परफॉर्मेंस देखते थे, वैसी बिल्कुल परफॉर्मेंस थी और बहुत ही अनसंग रहे। मैंने लास्ट में भी मैंने देखा चेल्सी ऐप पे जब ऑप्शन आता है कि हु गोना बी, मतलब आप सेलेक्ट करें कौन आपकी तरफ से फैंस का मैन ऑफ द मैच है, तो उसके अंदर लोगों ने इवन गालेगर को सेलेक्ट किया हुआ था रैदर देन कैसेडो। आई मीन क्या फैन बेस है। मतलब गालेगर का गेम ठीक है, अच्छा था, लेकिन कैसेडो से अच्छा नहीं था। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। और उसके अलावा कोई प्लेयर मतलब इतना ज़्यादा मुझे खास दिखा नहीं, एक कैसेडो थे। बाकी स्टर्लिंग का तो भाई क्या ही बोले, स्टर्लिंग ने तो मतलब भाई ठीक है, अगर आपके पास बॉल आ रही है तो आप बिल्कुल ही, एक मैंने उनका एक स्टर्लिंग के पास एक बॉल थी और उसने कम से कम अपने पास बॉल रखी है 3 से 4 सेकंड के लिए, और सिर्फ बस वो खड़े हुए हैं और देख रहे हैं बॉल को, और डिफेंडर भी बिल्कुल उनके सामने खड़े हैं क्योंकि वो भी कुछ करना नहीं चाहते थे। शेफील्ड यूनाइटेड कुछ भी नहीं करना चाहती थी, उन्होंने तो बस विक्ट्री परोस के दे दी कि चेल्सी कोई नहीं आप ले जाओ, हम तो ऐसी टीम है जिन्होंने 43 और 45 गोल्स कंसीड करे हैं सिर्फ दिसंबर तक आते आते, तो हमारी टीम तो गोल वैसे कंसीड करती रहती है। वैसे तो अगर कोई अच्छी टीम होती तो वो 4-5 गोल करती है, तो आप भी 2 गोल ले लीजिए। तो ये वाली बात थी। और तो बहुत ही मतलब ठीक है, टीम जीत गई, 3 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, विक्ट्री भी जरूरी है, लेकिन आने वाले मैचेस में ऐसा नहीं होगा। अगर आप न्यू कैसल के अगेंस्ट अगर आप ऐसा खेलोगे, नहीं वो नहीं छोड़ेंगे, न्यू कैसल नहीं छोड़ेगी। वुल्स भी बेटर टीम है, वुल्स भी नहीं छोड़ेगी। अभी बहुत अभी हार्ड मैचेस भी, मतलब मुझे तो जो लग रहे हैं जो गेम जो ईजी लग रहे थे, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि चेल्सी के 4 3 4 मैचेस ईजी आ रहे हैं, वो ईजी नहीं है अब तो, वो भी हार्ड लग रहे हैं क्योंकि टीम ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस में नहीं दिख रही है। अगर एक प्लेयर अच्छा खेलता है तो वो पूरी यूनिटी नहीं दिख रही है टीम के अंदर, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर यूनिटी होगी, अगर टीम टीम की तरह खेलेगी तभी अच्छी परफॉर्मेंस आ पाएगी, अदरवाइज ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है अभी तक तो। और जो प्रोजेक्ट जो हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है थोड़ा टाइम देते हैं हम पोचेटिनो को, लेकिन उन्हें दिखाना पड़ेगा कि टीम में कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है। आप हर वीकेंड आप वैसी ही टीम आप नहीं कर सकते। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता जब प्लेइंग 11 आप ऐसी बनाते हो तो आपको तो पहले ही आपको आप ड्रॉ के लिए आप जा रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं? आपने मतलब ना कोई आपके लेफ्ट बैक पर आप डिफेंडर खिला रहे हो, आप राइट बैक पर आप डिफेंडर खिला रहे हो, आप करना क्या चाहते हो? चलो ठीक है, इंजरी एक कंसर्न है और उससे भी प्लेयर्स मतलब काफ़ी टीम इफेक्ट हुई है, प्लेयर्स अंदर बाहर हो रहे हैं टीम के। लेकिन एक मतलब एक और मुझे, मैं सुबह से देख रहा था कल सुबह से कि नकुंकू का डेब्यू होगा, नकुंकू का डेब्यू होगा। ट्विटर और सोशल मीडिया पर हर जगह यही था कि नकुंकू का डेब्यू होगा, एटलीस्ट हमें 15 20 to 15 मिनट्स हमें देखने को मिल सकते हैं नकुंकू के। लेकिन कहाँ है भाई, कहाँ है नकुंकू, कहाँ है? मैं वेट करता रहा, मुझे लगा एटलीस्ट उसको एटलीस्ट पिच पर आने का एक मौका मिलेगा, उसे 1 या 2 मिनट तो मिल जाएंगे जब तक इंजरी टाइम भी नहीं आया था, लेकिन वो भी नहीं मिला। मतलब क्या कर रहे हो भाई, एटलीस्ट इतना वो मतलब अगर ठीक है अगर वो मैच फिट नहीं है तो उनको मत लाओ यार टीम में, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम नहीं बोल रहे कि आप उन्हें खिलाओ, आप नकुंकू को आप टाइम दो। हम सेकेंड सीजन के सेकेंड हाफ में हम देख लेंगे नकुंकू को, लेकिन आप पहले बोल रहे हो कि यस ही इज मैच फिट, देन उसके बाद आप उसको मतलब 10 15 मिनट का गेम भी नहीं दे रहे, तो दैट इज़ अनफेयर। बाकी लेट्स होप कि अब न्यू कैसल के अगेंस्ट लीग कप मैच में क्या होता है वो तो एक अच्छी बात है। मेरे ख्याल से हमारे होम पर गेम है,
इस वजह से अगर होम पर नहीं है तो मुझे देखना पड़ेगा, अगर होम पर नहीं है फिर थोड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अवे रिकॉर्ड वैसे अच्छा है लेकिन न्यू कैसल के अगेंस्ट नो कमेंट्स। बाकी लेट्स होप कि अगर होम पर गेम है तो भी काफ़ी हार्ड मैच होने वाला है, तो लेट्स सी क्या होता है ट्यूसडे नाइट को। या तो होपफुली सब कुछ ठीक हो। बाकी दैट वॉज माई रिव्यू ऑन दिस लास्ट शेफील्ड यूनाइटेड गेम। अगर आपको लगता है कि कुछ पार्ट मैंने मिस किया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और मुझे बताओ कि कहाँ पर मैं गलत हूँ। मुझे लास्ट वीडियो पर भी कमेंट आए थे कि टीम की प्लेयर्स की स्किल्स में इशू है। मुझे स्किल वाइज तो मुझे ज़्यादा मतलब इशू होगा, कहीं ना कहीं तो हम लैग जरूर कर रहे हैं, लेकिन स्किल वाइज इतना ज़्यादा नहीं लगता जितना मुझे इस टाइम मैनेजर के जो हमारे जो टैक्टिक्स हैं और जो प्लेइंग इलेवन जो हम पिक करते हैं उस पर ज़्यादा डाउट होते हैं, रैदर देन मैं प्लेयर को मैं जज करूँ। क्योंकि वही प्लेयर जो वो लोन पे जाते हैं वो दूसरी टीम के वो बेस्ट प्लेयर बन जाते हैं। गालेगर को देखो, वो क्रिस्टल पैलेस गए वो उनके बेस्ट प्लेयर थे, चेल्सी में आते क्या हो जाता है, क्यों क्यों प्लेयर अंडर अचीव करते हैं, अंडर परफॉर्म करते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? तो ज़रूर कुछ इशू होगा प्लेयर के साथ नहीं लेकिन हमारे टैक्टिक्स के साथ। तो दैट वॉज माई रिव्यू। बाकी प्लीज़ शेयर एंड कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, और प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार देते।